जनपद लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्ण नाथ के मोहम्मदी बाईपास स्थित राधेश्याम पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने पहुंचा एक ग्राहक जब 2000 रुपए का नोट देने लगा तो पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने उन नोटों को लेने से मना कर दिया और कहा कि सरकार की जब तक कोई गाइडलाइन पेट्रोल पंपों के लिए नहीं आ जाती तब तक हम 2000 के नोटों को नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आज ही हम एक्सिस बैंक गोला में अपने 2000 के 7 नोटों को जमा करने के लिए जब पहुंचे तो बैंक के कर्मचारियों ने हमारे 2000 के नोट जमा करने से इनकार कर दिया, इसलिए हम भी 2000 रुपए के नोट नहीं ले सकते जब तक कि आरबीआई के अधिकारियों के आदेशानुसार आप किसी भी बैंक में 2000 के 10 नोट एक साथ बदल सकते हैं या जमा कर सकते हैं। लेकिन पेट्रोल पंप पर अभी से ही इस जनता को परेशान करने का काम शुरू हो गया है। उधर पेट्रोल पंप कर्मचारी ने बताया कि गाइडलाइन आने के बाद ही 2000 रुपए के नोट हम लोग लेंगे, जबकि अभी तक बाजार में इन नोटों का चलन लगातार जारी है। नोट न स्वीकारने पर भुक्तभोगी युवक सुधीर वर्मा ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद ये खबर आग की तरह फैल गई। राधे पेट्रोल टंकी। हाँ भैया, 2000 का नोट आप बताइए। अगले सर्कुलर तक जब तक मुझे कोई आदेश नहीं मिलेगा तब तक मैं 2000 का नोट नहीं ले सकता। आज से ही आपने 2000 का नोट बंद कर दिया है। जब तक सर्कुलर नहीं आएगा तब तक हम कुछ बता नहीं सकते। नहीं, आज से आप नहीं ले रहे हैं ना, ये बताइए आप सीधे। मैंने ये कहाँ कहा मैं आज से नहीं ले रहा हूँ, मैंने कहा जब तक अगला सर्कुलर नहीं आएगा तब तक मैं नोट। तो आज आप कहाँ ले रहे हैं? आज नहीं ले रहा ना, कि कल के लिए, कल उसने बोला कि वैलिड नोट नहीं है, इसीलिए नहीं ले रहा हूँ अभी। और जब सर्कुलर आ जाएगा कि आप पंप पे ले सकते हैं तो मैं ले लूंगा। सर्कुलर में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आप पंप पे या कहीं भी नोट ले सकते हैं। सर्कुलर में ये लिखा है कि आप पंप पे नोट नहीं लेंगे 2000 का। मैं बैंक गया था सुबह, मेरे पास ज्यादा नहीं 7 नोट थे, बैंक ने 7 नोट जमा करने से मना कर दिया है। कौन सी बैंक थी? एक्सिस बैंक गोला। एक्सिस बैंक गोला, एक्सिस बैंक गोला में गया था मैं। और किस पंप से काम कर रहे हैं? मेरा नाम आकाश मिश्रा, मैं राधे पेट्रोलियम कंपनी मोहम्मदी रोड गोला पे काम करता हूँ। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 2000 का नोट आपने लेने से मना किया, क्या है मामला? असल में मैं आज सुबह बैंक गया था, मेरा बैंक अकाउंट है एक्सिस बैंक गोला में, मैं वहाँ पे बैंक में गया था, मैंने वाउचर भर के, मैं जैसे नॉर्मली ले जाता हूँ डेली वैसे ले गया था मैं। उन्होंने कहा भैया 2000 का नोट अभी मत जमा करो, 23 तारीख तक जो रेगुलर को जो भी सर्कुलर वगैरह आएगा उस हिसाब से जमा करेंगे हम। हम वहाँ से आ गए यहाँ पे अपनी पंप पे, मैंने अपने डीलर को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि अगर बैंक नहीं ले रही है तो भाई तब तक तुम भी ना लो। तो उसके बाद में एक भैया जी आए थे, उनसे काफ़ी देर तक बात बात होती रही, लेकिन अब जब बैंक नहीं ले रही तब हम भी उस जगह पे मजबूर हैं कि हम कहाँ से कितना नोट लें, इसी वजह से हमने नोट नहीं लिया। बस इतना सा मैटर है। अब बाकी उसके बाद में जब इतना वीडियो वायरल हो गया है, सब कुछ पता चला है, चारों तरफ से जानकारी मिली है, तो अब मैंने 2000 का नोट लेना स्टार्ट कर दिया है। मगर ये है कि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ इसके बारे में मैं नहीं कुछ बता सकता हूँ अभी। आपके पास कोई ऐसा सर्कुलर आया था जिसमें आपने जिक्र किया है जिसमें नोट ना लिया जाए? सर्कुलर ऐसा कोई नहीं आया जिसमें नोट ना लिया जाए। कल रात को जो नोटबंदी हुई थी असल में बैंक में नहीं लिया गया था, इसीलिए मुझे मजबूरी में बंद करना पड़ा, बस इसके अलावा में ऐसा कोई सर्कुलर में नहीं है। किस बैंक में? एक्सिस बैंक गोला। वहाँ के कर्मचारी है ये? हाँ, कर्मचारी नहीं, मना किया था कैशियर पे, मेरे पास वाउचर भी रखा है, बताइए मैं वाउचर दिखा दूँगा आपको अभी, जो मैंने वाउचर दूसरा भरा है। सुविधा बैंक के लिए 23 तारीख के लिए, लेकिन यहाँ पे अभी ऐसा नोटबंदी का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, उस पर क्या बोलना चाहिए आप? नोटबंदी का कोई ऐसा जिक्र नहीं है, वो भी नहीं है, अब मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता हूँ, असल में मेरे सामने मजबूरी है, जब बैंक नहीं ले रही तो मैं कहाँ क्या करूँगा। अच्छा, 23 तारीख का वेट करने के लिए किया गया था, बस 23 के लिए ही मैं वेट कर रहा था कि हाँ 23 में या फिर उससे पहले अगर कोई सर्कुलर आ जाता है कि हाँ ये पंप पे चलेगा या यहाँ चलेगा वहाँ चलेगा तो वैसा चलाया जाएगा। तो मतलब कि उसके बीच में आप नोट नहीं ले रहे थे? नहीं, मैंने स्टार्टिंग में बैंक की वजह से मैंने नोट नहीं लिया था, अब मैंने नोट लेना स्टार्ट कर दिया है।